तो भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में इनैक्ट हुआ है। सीआरपीसी को रिप्लेस करते हुए ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता फोर्स में लाया गया है। आईपीसी सिर्फ ये बताता है कौन सा एक्ट थेफ्ट होगा नहीं होगा और कितना पनिशमेंट मिलेगा, खत्म। इस एक्ट के कमिट होने से लेके पनिशमेंट तक की जो जर्नी है ये वो नहीं बताता। ये हमको क्या बताएगा, वो हमको बताएगा बीएनएसएस। या इस प्रोसीजरल लॉ का बीएनएसएस का बेसिक पर्पस क्या है, इन दो राइट्स के बीच बैलेंस बनाना। कौन से दो राइट्स? एक इंडिविजुअल और दूसरा सोसाइटी। सोसाइटी और इंडिविजुअल के राइट्स के बीच बैलेंस बनाना है, इस तरीके से फ्रेम होना चाहिए आपका लॉ। नजर अगर लेजिस्लेचर ने स्टैट्यूट को बनाया है, पास किया है, तो किस नजर से किया है, वो क्या चाहते हैं, इसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव इंटेंट। इंटेंशन क्या है लेजिस्लेचर का स्टैट्यूट को लाने के पीछे, और यहां तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लॉ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रहा था, आपने उसको हटा के नया लाया तो कुछ ज्यादा ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ चीजें, तभी तो आप नया स्टैट्यूट लेके आए हैं यहाँ।